हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन बाय हार्ट। आज हमें ऐसा लगता है कि आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और वीडियो में क्या हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट्स में जल्दी जल्दी लिखकर बताइए। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। सो टुडे वी आर टेकिंग यू ऑन अ जर्नी थ्रू टाइम टू वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग इन लंदन, द टावर ऑफ लंदन। दिस प्लेस हैज बीन स्टैंडिंग टॉल सिंस 1078, व्हिच इज लॉन्गर देन सम ऑफ अस हैव बीन अलाइव। फर्स्ट टाइम यहाँ विजिटर्स 19th सेंचुरी में आना शुरू हुए थे। एज पर गाइडेड टूर वी आर स्टार्टिंग आवर टूर फ्रॉम लंदन टावर एंड इट वॉज बिल्ड इन द 13th सेंचुरी एंड इट वॉज पार्ट ऑफ द कैसल्स आउटर वॉल। एंड सबसे खासियत ये है कि ये टावर यूज हुआ एज अ प्रिजन इन द 16th सेंचुरी। क्वीन विक्टोरिया का एरा आया तो दे स्टार्टेड यूजिंग फॉर द रिकॉर्ड ऑफिस, मेनली फॉर कीपिंग देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि लंदन शेप स्ट्रक्चर है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ से ये गाइड करते थे शिप्स को। जो आप ये रिवर देख रहे हैं उसका नाम है थेम्स रिवर एंड इसका मेनली पर्पस ये था प्रोटेक्शन। जैसा कि हम पढ़ते आए हुए हैं और देखा भी हुआ है कि इंडिया के भी ऐतिहासिक दौर में रिवर के आसपास ही पैलेसेस बनाए जाते थे जिनसे उनको सुरक्षा मिल पाती। इसी टावर में किंग हेनरी 8 का रॉयल रेसिडेंस भी था, जिन्होंने 50 इयर्स इंग्लैंड पर रूल किया फ्रॉम 1509 टू 1547। और इनके सारे आर्टिस्टिक वर्क और इनके बेडरूम को प्रिजर्व करके रखा गया था। एंड स्पेशली हिज बेड वॉज मेड ऑफ कार्व्ड एंड गिल्डेड वुड एंड इट हैड अ कैनोपी एज वेल। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जो आप देख सकते हैं स्वॉर्ड, इसका हैंडल इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड। और मैं अभी आपको पैसेज वे के थ्रू लेके चलती हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पर्पस था कि ये ट्रेडर्स को ले आने के लिए यूज किया जाता था। एंड दूसरा, इसका हिस्सा आपको बाहर से कनेक्ट करता है जहां से आप बाहर निकल सकते हैं। एक बात तो मैं आपको पूछना ही भूल गई, आप लोग लगान या कोई पेट्रियोटिक मूवी रंग दे बसंती तो देखा ही होगा जिसमें इंग्लैंड का रोल इंडिया में हो, और आपने ये सीन जरूर देखा होगा। इनको कहते हैं बी फिटर्स और ये योमैन बॉर्डर से भी नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे ढेर सारे लोग आके फोटोज क्लिक कराते हैं, उसमें से हम भी एक हैं जो आप मुझे देख सकते हैं फोटो क्लिक करा रहे हैं। बट इसके पीछे भी, बी फिटर्स के पीछे भी एक बड़ी हिस्ट्री है जिससे अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। बी फिटर्स बनने के लिए दे हैव टू सर्व इन द ब्रिटिश मिलिट्री फॉर एटलीस्ट 22 ईयर्स एंड दे हैव टू अचीव द रैंक ऑफ वॉरंट ऑफिसर्स। फिर हम चले इसकी मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट पे, विच इज क्राउन ज्वेल, विच सिंबलाइजेस ब्रिटिश रॉयलिटी। एंड यहाँ पिक्चर अलाउड नहीं था, बट बींग अ इंडियन हमने कैसे तो मैनेज किया आप लोग को दिखाने के लिए। And these collections, including plates, jugs, mugs, all utensils, are made up of gold, and their weight is around 2 kg, 3 kg, depending on the type of utensils. And one of the most famous item in the crown jewel was Kohinoor diamond, जिसकी history क्या बताना, हम सब जानते हैं। So आज के दौर में tourists जो भी आते हैं Tower of London में, they can see the Kohinoor diamond on display alongside The crown jewels. चलिए अब कुछ थोड़ी आइकॉनिक स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं, जिसमें से एक व्हाइट टावर है। इट वॉज बिल्ट इन द 11th सेंचुरी और ये सिंबलाइज करता है नॉर्मन पावर एंड स्ट्रेंथ को। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ मिलिट्री पैलेस फॉर द किंग्स एंड क्वींस, जहाँ पे सारी रॉयल आर्मरी एंड वेपन्स रखे जाते थे। ये वही जगह है
जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ आपको, जहाँ सारी आर्मी इकट्ठी होती थी हर वॉर से पहले और शपथ लेती थी जीत के लिए. एंड ये आर्मी की रूल बुक विच हैज 18,000 पेजेस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट इन्फॉर्मेशन. एज आइए म्यूजियम साथ में एक्सप्लोर करते हैं एंड एंजॉय करते हैं. होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगे हो और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा. प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट आवर चैनल इफ यू लाइक आवर कॉन्टेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.